अस्सलाम वालेकुम इस लेक्चर में आपके लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व किया गया है वो है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन की स्टेटमेंट है टू साइड्स ऑफ आ रेक्टेंगल डिफर बाय थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर फाइन दशन ऑफ द रेक्टेंगल फिट स्पेरीमीटर ए सिक्सटी 67 सेंटीमीटर तो अब लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सपोज कर लेते हैं इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर और विर्थ इक्वल्स टू वाई सेंटीमीटर कंडीशन ये गिवन थी कि लेंथ और विर्थ का डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए तो हम इस डिफरेंस को लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स माइनस वाई वाईक्स टू थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर गिवन है और सेकंड कंडीशन ये दी हुई है कि इस रेक्टेंगल का पैरीमीटर की वैल्यू है सिक्सटी सेवन सेंटीमीटर तो पेरीमीटर गिवन है सिक्सटी सेवन सेंटीमीटर और पैरीमीटर के लिए रिलेशन है टू एंड टू लेंथ प्लस वेड़ क्वल टू हम करेंगे सिक्सटी सेवन टू को ब्रैकेट की टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो टू एक्स प्लस टू वाईक्वल टू आ जाएगा सिक्सटी सेवन ये बन गई है इक्वेशन नंबर टू अब इन इक्वेशन वन और टू को फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो एक बार दोबारा मैं डिस्प्ले कर रहा हूं क्वेश्चंस को अब इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उसके लिए एक राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म सबसे पहला स्टेप सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखा जाएगा मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स इसका कोफिशिएंट वन है सेकेंड टर्म में कोफिशिएंट है माइनस वन टू और टू इक्व टू इन टू एक्स वाई टू थ्री पॉइंट फाइव काला मैट्रिक्स बनेगा जिसके एलिमेंट्स हैं थ्री पॉइंट फाइव और सिक्सटी सेवन ए एक्स इक्व टू बी या लिख लें एक्स इक्व टू एनवर्स भी इसको कर लें क्वेश्चन नंबर वन अब मेंशन कर दें ए मैट्रिक्स हमारे लिए था ये जो मैट्रिक्स का ऑप्शन है वन माइनस वन टू टू और मैट्रिक्स एक्स वेरिएबल्स का मैट्रिस है एक्स वाई और इसके बाद मैट्रिक्स बी है कॉलम मैट्रिक्स थ्री पॉइंट फाइव और सिक्सटी सेवन इसके बाद नेक्स्ट स्टेज भी हमें फाइंड करना पड़ेगा ए इनवर्स इसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं ए डिटरमिनेंट इसको एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है डायगनल एलिमेंट्स को यानी वन मल्टीप्लाई करें टू के साथ फिर एक माइनस साइन लगा लें और मल्टीप्लाई करना है नॉन डायगनल एलिमेंट्स को यानी टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन इस तरह ये प्रोडक्ट आ रही है टू प्लस टू ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू फोर और अब नेक्स्ट टाइम में ए इन्वर्स फाइंड करने हैं हमने उसके लिए पहले आप फाइंड कर लें जॉइंट ए मैट्रिक्स ए गिवन है और एड लिखने के लिए आपने डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है यानी टू और वन को इंटरचेंज किया जाएगा और नॉन डायगनल एलिमेंट्स जो है माइनस वन और टू इनके साइन चेंज किए जाएंगे तो वो बन जाएगा ज्वाइंट ए और अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एट जॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट पुट कर लें एट जॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू थी फोर इस तरह जी ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है वन ओवर फोर इंटू मैट्रिक्स टू वन माइनस टू वन ए इनवर्स फाइंड हो गया और दोबारा हम क्वेश्चन वन को यूज करेंगे जो कि थी एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी और इसी इक्वेशन से हमें सोल्यूशन मिलेगा जिसमें हमने मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स ए इन्वर्स और मैट्रिक्स बी की पुट करनी है नेक्स्ट स्टेप में इनवर्स की वैल्यू और इसके साथ मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई करें इन दो मैट्रिक्स को तो मल्टीप्लाई करना है आपने रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम से टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री पॉइंट फाइव फे कॉलम का रो का सेकंड एलिमेंट प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी सेवन और इसी तरह सेकंड रो को मल्टीप्लाई करने है माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री पॉइंट फाइव प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी सेवन यार है सेवन प्लस सिक्सटी सेवन सेकरो में है माइनस सेवन प्लस सिक्सटी सेवन इक्वल टू मैट में एलिमेंट्स आ गए हैं सेवेंटी फोर सिक्सटी अब ये फोर से डिवाइड किया गया इनको और इस तरह फाइनली ये रिजल्ट आ गया है कॉलर मैटिस जिसमें नंबर्स हैं एटीन पॉइंट फाइव और फिफ्टीन तो एक्स की वैल्यू आ गई है एटीन पॉइंट फाइव और वाई की वैल्यू है फिफ्टीन एक्स हमने सपोज किया था लेंथ सो लेंथ की वैल्यू आ गई है एटीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और वाई को सपोज किया था वीड्थ तो विड्थ की वैल्यू आ गई है फिफ्टीन सेंटीमीटर और इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है अल्लाह हाफिज